आंदोलन में से आडमाणी जी को, कल्याण सिंह जी को, साक्षी महाराज को, उमा भारती को निकाल दो, जीरो आंदोलन। इस आंदोलन के चार हीरो हैं केवल, उसमें सबसे बड़ी भूमिका आडमाणी ने कहा। जी ने कहा कि बच्चे मर जाएंगे तो बहुत काम खराब हो जाएगा। बोले महाराज, जब तक नहीं मरेंगे तब तक कुछ होगा नहीं, आंदोलन तभी आगे बढ़ेगा। सभा लगी हुई थी, एक बार अचानक अशोक सिंह मिल जी जिन कांधे पर बैठ गए। माइक मेरे हाथ में था तो उन्होंने माइक मुझसे लिया, छीना तो क्या, जब हमसे सीनियर थे, हम डीएचपी कोटा से सांसद रहे हैं तो छीनने का कोई मतलब नहीं है, तो मांगेंगे तो खुद दे देंगे, वो आ गए तो हम ही दे देंगे, बोलना चाहेंगे तो माइक लिया। माइक पर उन्होंने कहा कि हर कार्य बड़े कार्य, हर बड़ा कार्य बलिदान मांगता है। लीडर को ना छोड़ना नहीं चाहिए वॉक करने, तो बिना ये भाग तो हम लोगों को इस तरह की नहीं है कि आपको दीवार पे चढ़ना है, ढांचे पे चढ़ना है, कहीं चढ़ना है, कहीं नहीं चढ़ा जाएगा। कहाँ कहाँ पर उस दिन, क्या कहाँ पर? हनुमानगढ़ी के मंदिर पे हुई थी। क्या इस मीटिंग में, क्या कितने बजे हुआ मीटिंग? रात्रि 9 बजे हुई थी, 9-10 के बीच। मतलब 5 दिसंबर को क्या हुआ उसमें? 5 दिसंबर को रात्रि में इत्या हो गया, तो सुबह 10-9 बजे फिर मीटिंग हुई थी जी, और दोनों मीटिंग में इत्या हुआ था कि ढांचा खुला 12:30 को छोड़ दिया जाएगा। ये 12 लोग मेरा नाम लगाए, उन लोग थे जी, साथ में मनय जी भी थे, उमा जी की ट्रेनिंग गुजरात के सरखेज में हुई सभी हिंदू नेता ढांचे को 6 दिसंबर को छोड़ देंगे, छोड़ना नहीं है हर हाल में, ये गुलामी का प्रतीक है, इसे छोड़ देने में ही इच्छा हमारी सरकार रहे या जाए। अयोध्या में फिर क्या प्लानिंग हुई? फिर प्लानिंग ये थी कि रात में हम लोग मीटिंग करते हैं, भोजन पानी सब करने के बाद भी सब जागते रहे कि सुबह ढांचा ढाना है हर हाल में, एक उद्देश्य है। ग्रुप बनाया गया 60-70 लोगों का, 100 लोगों का, और ये रखा गया कि ठीक 10:15 बजे अटैक किया जाएगा। पानी भी थोड़ी चाह रहे थे ढांचा ढह जाए, क्योंकि वो बोल भले रहे थे, असल में उसकी मेन कड़ी ढांचा तोड़वाने में ब्रह्मदत्त द्विवेदी थे।
जिनका पीवी नरसिम्हा राव संबंध था। लेकिन हम घोषणा कर रहे थे ढांचा तोड़ो, इसलिए कि हमने आप लोगों को ढांचा तोड़ने के लिए बुलाया, वो ढांचा टूट गया। और इस ढांचा टूटने के आरोप में भी सरकार हमको फांसी की सजा देती है तो हम फांसी की सजा में लटकने को तैयार है, लेकिन हम ये झूठ नहीं बोलेंगे कि हम इधर की बात की जानकारी देते हैं, लेकिन हमको जो जानकारी थी मैं वो जानकारी आपको बताया। लेकिन यहाँ हमने कामयाब को बहुत ऐसे कामयाब थे जिसको CBI के डर के मारे हमको विश्व को हटा दिया, उसको हटा दिया। कई ऐसे दस्तावेज हैं, कागज हैं, संकल्प हैं, कई ऐसे प्रस्ताव हैं। उसी समय तत्काल जो है लक्ष्मण सेना का गठन हुआ जी, और उसका राष्ट्रीय प्रमुख मैं ही रहा। अच्छा जी, और उसका जो है जय सेसा अवतार नारा था जी, लक्ष्मण सेना का जी जय सेसा अवतार नारा जी। और व्यवस्था की दृष्टि से ही सबको व्यवस्थित करने के लिए ये तत्काल जो है ये व्यवस्था दी गई। वहाँ जो नेता थे हमारे, किसको आप, मानी सिंघल जी जी, आडवाणी जी, उमा जी, उन्होंने क्या पूछा आपसे? दानिया जी, ऑपरेशन जन्मभूमि के संबंध में कैसे क्या हुआ जी, इसका नाम किसने दिया ऑपरेशन जन्मभूमि? क्या ऑपरेशन जन्मभूमि? ऑपरेशन जन्मभूमि उसी समय सुधा मलैया और डॉक्टर स्वराज गुप्ता समझ लिया। हाँ, मेरे इसमें जैसे ये था, जब वहाँ आंदोलन हुआ तो खाली बंधु मारे गए जो गोली चलाई हुआ मुलायम सिंह के जमाने में, उसके बाद दोबारा कार सेवा के रणवीर बने जी, तो हम लोग जीत पर अड़े थे जी, हम सुरेश बघेल और तमाम लोग जी, उसमें सुरेश बघेल को डायनामाइट देकर के बाद में बचे उतारने के लिए जी कोशिश हुई जी, उन्होंने ट्रेनिंग कराई थी जी विभिन्न मुरैना जी, उसके 450 लोग ट्रेंड होकर के जब ये कार सेवा इन्होंने शुरू किया बालू सरजू जी से प्रति कार सेवा होगी, तो हम लोग बागी होकर चढ़ गए गुम्बद पे जी, और कहता फगुआ इधर उधर से लेकर हम लोगों ने शुरुआत किया, पूरा मास्क जुट गया उसी ट्रेनिंग के बदौलत जो भी मस्जिद का ढांचा था। लोग माना लगे कि मोड़ गर्म कर दिया सरकार की ढाल को, मोड़ देंगे ढांचे को तोड़ देंगे, हमने ये घोषणा दिया और ये घोषणा देकर पूरी हमने योद्धा में कर्मा कर दी। जितने आस पास 2000 में संख्या में युद्ध जिन था, चाहे BJP का था, चाहे वो शिवसेना का था, या बजरंग दल का था, जो भी था, जो नौजवान था जी, सब हमारे साथ हो गया जी, ये बात सही कह रहे हैं जी। क्या कहा था एक्चुअल सर आपने? एक्चुअल गंगा की धार को मोड़ देंगे जी और ढांचे को तोड़ देंगे जी, ये हमारा उद्घोष था, यही हुआ था कि ढांचा टूटना है जी, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े हम करेंगे जी, ढांचे को उसके बाद बख्शा नहीं है तो उसके बाद फिर सब लोग कार सेवा होगी तो फिर तरह स्टाइल में होगी। देखो मैं कह रहा हूँ ना, जो हमारे पास डायनामाइट था और वो ढांचा ना टूटता आप के समय द्वारा हम उसको डायनामाइट चलाते उड़ा देते। जो असंभव कार्य था वो संभव हो गया, उसमें है सेना रेड्डी प्रधानमंत्री कल्याण सिंह, इनका बड़ा सहयोग रहा है। वो विवादित ढांचा था वो विराजमान ध्वस्त हो गया, तो एक बहुत बड़ा काम जय श्री कोर्ट में इतनी मेरी हाजिरी हुई है, लिब्रान कमीशन में मेरे इतने बयान हुए हैं, वो जो मैंने कहा है उससे ज़्यादा मैं कैसे कहूँगा, अगर गोपनीय कोई जो नहीं जानता है कोई, वो अगर आपको बता दूंगा तो ये तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ सिर्फ कौन होगा, बिल्कुल नहीं बताऊँगा।
पता ही नहीं बताऊंगा जनाब, आप कल्पना कीजिए कि आप हमारा जो काम है उसका ये भंडा फोड़ करके आपको क्या मिलेगा। फेम उन्होंने पहले जिन्हें राम मंदिर तोड़ा मस्जिद को राम मंदिर तोड़ के बनाने तोड़ा है उसमें जो लोग आपके कार सेवा के लिए बुलाते थे कभी उनके बालू बिगड़ा कभी कुछ तो उन्होंने कहा तुम लोग हमको बुलाते हो और कभी बालू बुलाते हो कार सेवा के लिए बुलाते हो और कार सेवा में जो पुराने करते मैं उसको ध्वस्त करने काफी नहीं करते तो जब वो आए उन्होंने कहा नहीं अब हम हमारे कहने से जो है बालू को नहीं जुड़ाएंगे हम ध्वस्त करेंगे पुराने को। दूसरी तरफ अंडरग्राउंड तौर पर एक शेषनाग वाहिनी लोगों ने बना ली और उसमें तोड़ने की ट्रेनिंग मतलब कैसे चढ़ेंगे कैसे जाएंगे ऐसा कर रहे थे हालांकि अधिकृत नहीं था मामला पर ऐसे भी लोग थे जो ट्रेनिंग करते कि रस्ते ऐसे लगाएंगे फला नहीं करें त्याग पत्र देने की तैयारी कर ली दोपहर में 1 बजे और डॉक्टर जोशी को कंधे के हाथ में त्याग पत्र दे रहा हूँ जोशी वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर जोशी ने कहा कि किसके कहने जी उन्होंने कहा कि अटल जी ने बोला जी डॉक्टर जोशी ने कहा हुई अटल जी आई एम पार्टी प्रेसिडेंट जब तक पूरा टूट नहीं जाए तब तक कोई सेना और फोर्स का प्रवेश नहीं होना चाहिए जी और आप त्याग पत्र नहीं देंगे सेना आ जाएगी आपने अगर त्याग पत्र दिया जी त्याग पत्र नहीं देने दिया ये मंच का सही भारतीय जनता पार्टी को जितना गंभीर उस विषय से बाद में होना चाहिए था जितना उन्होंने राजनीतिक लाभ लिया उतनी तो वो नहीं रही ना तो ये तो एक धोखा हुआ ना जनता के साथ इस बात की तो संतों को बहुत दुख हुआ ना क्योंकि संत समाज के सामने तो संत गए थे ना इसलिए संतों के ऊपर जनता ने विश्वास किया तो ये बात का तो दुख फिर सब संतों को ही रहा ना कि भाई जिस चीज को लेके आप चले हो या तो आप उसकी राजनीति की रोटियां ना सेक दें अगर आपने सेकी है तो आप उसके प्रति ईमानदार कर दो विभीषण की भूमिका नहीं है, है। विभीषण अगर ना होता तो राम मारता नहीं। हमें प्रसन्नता है कि वो समाप्त हो गया हमें प्रसन्नता है कि रावण मर गया हम हर साल खुशी व्यक्त करते हैं लेकिन हमने नहीं मारा मैं समझता हूं विश्व हिंदू परिषद ने या जो भी लोग वहां उस दिन मौजूद थे मंत्री कर चौहान की थी दोनों को अपने कमरे पर दे रहे थे देखते रहे ये गिरा था ये गिर गया ये गिर गया दुनिया भर को सबको बताते रहे कि नरसिंह राव सो रहे हैं सुख तो ना रहा था शंकर राव चौहान ने मुझसे तो स्वयं कहा था जहाज में जब अयोध्या से आए थे क्या कहा था उसने कहा था भैया जल्दी बनाओ आपकी सरकार है
इसको सब दोस्त करो बनाओ अलग अलग है विषय कुछ भी ऐसा कोई बोलते पैसे दिया इसको शहर मिलने से बोला जाता है हाँ सर मतलब किताब में जो कोट कर सके उसको नहीं वो पैसा कोट कर पैसा होगा क्या केस लगा के ले लिए किसे दूसरी जगह हुई थी मीटिंग नॉर्थ में मीटिंग व्यक्ति को मत जोड़िए जी भारत के संतों ने जी नौजवानों को राम जानकी रथों की सुरक्षा के लिए संगठित करने के लिए बजरंग दल कौन पीछे कौन था सर किसने मतलब कोई तो होगा संगठन है ना हिंदु परिषद और संत आज जो मंदिर के नाम पर रोटी खा रहे हैं 10 बजे भक्ति से 5 बजे आए थे सच्चाई ना भगने वालों में भक्ति नहीं होगी थी अरवाली जी नहीं रहते थे शास्त्री जी नहीं होते थे गोपाल दास भग गए लीजिए रसाला नेत्र गोपाल दास जो मंदिर का नाम आज नाश करते ये भग गए थे मिले हैं उनसे भग गए थे मेरे सामने स्कूटर पर पैसे गिर पड़े भग गए पंडित धर्मधर स्कूटर चला रहे थे भग गए बिने कटिया 10 बजे भग गए शाम को फिर आ गए लोग नष्ट हो जाएं इस शेर को कोई मतलब नहीं इनको मतलब पैसा मिले कुर्सी मिले